खबर स्टेशन में आपका स्वागत है। खबर स्टेशन में आज हम आपको बताएंगे दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति यानी स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में, जो कि सरदार सरोवर बांध के दक्षिण में स्थित नर्मदा नदी के साधु बेट द्वीप पर बनी है। क्या ये भूकंप की मार झेल पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। इसको जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हम आपको बता दें कि ये मूर्ति अमेरिका की विश्व प्रसिद्ध इमारत स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तुलना में दो गुना ऊंची है और 182 मीटर ऊंची इस मूर्ति का अनावरण 31 अक्टूबर 2018 को किया गया। अगर हम इस मूर्ति के बेस यानी आधारशिला से शुरुआत करें तो ये मूर्ति 182 मीटर ऊंची है। हालांकि मूर्ति की ऊंचाई सिर्फ 167 मीटर लंबी है, लेकिन इसे एक 25 मीटर ऊंचे बेस बॉक्स पर रखा गया है, जिसकी वजह से मूर्ति की कुल ऊंचाई 182 मीटर हो जाती है। इस मूर्ति को बनाने में 2332 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। वहीं पूरी योजना में कुल 3000 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। 2012 से 13 में इस परियोजना की शुरुआत के बाद सिर्फ 42 महीनों के अंदर ये काम पूरा कर लिया गया। इस मूर्ति को बनाने का काम दो भागों में बांटा गया था। इसमें से पहला भाग नींव रखा जाना था, वहीं दूसरे भाग में मूर्ति खड़ी की जानी थी। ऐसे में ये काम नींव रखने से शुरू हुआ और इसके बाद आधा भाग खड़ा किया गया। इस बीच एक कोर बॉल बनाई गई। इसके साथ ही मूर्ति में एक हॉल बनाया गया जिसमें एक बार में 200 लोग समा सकते हैं। 3000 करोड़ रुपए खर्च करके बनी इस मूर्ति का वजन 67000 मीट्रिक टन है। लेकिन एक सवाल अहम है कि इतनी ऊंची मूर्ति हवा का दबाव, भूकंप, बाढ़ और हवा के प्रभाव को कैसे बर्दाश्त करेगी। भूकंप से भी ज्यादा खतरनाक हवा का प्रभाव होगा। इसी वजह से स्टैचू बनाते समय हवा के दबाव को सामान्य मानकर चलने की जगह +1 मानकर चला गया है, ताकि ये हवा के दबाव को बर्दाश्त कर सके। ये मूर्ति भूकंप जोन 3 में आती है, लेकिन जोन 4 के आधार पर इस मूर्ति को बनाया गया है। भूकंप से बचाने के लिए इस मूर्ति में डक्टाइल डिटेलिंग भी की गई है। ऐसे में कहा जा सकता है कि ये मूर्ति भीषण भूकंप में भी खड़ी रह सकती है, लेकिन अगर किसी छोटी सी भूल चूक को अनदेखा कर दिया गया तो ये कहना मुश्किल होगा। फाउंडेशन बनाते समय मूर्ति वाली जगह का सर्वे कराने के लिए तमाम जियो टेक्निकल सर्वे करने के साथ साथ लेडर तकनीक का इस्तेमाल भी किया गया है। इस मूर्ति की नींव में टूटी हुई चट्टानों के टुकड़े शामिल हैं, जिनमें क्वार्ट्स, मीका और दूसरे तमाम तत्व मौजूद होते हैं। सरदार सरोवर बांध करीब होने की वजह से नींव खोदने के समय काफी सावधानी का ध्यान रखना पड़ा। इस वजह से डैमेज कंट्रोल ब्लास्ट किए गए। इस मूर्ति की नींव को जमीन से 45 मीटर गहराई में जाकर रखा गया है। ऐसे में भूमि पूजन के लिए 15 मंजिल इमारत नीचे जाना हुआ। एक बार खुदाई पूरी होने के बाद पानी की बौछार से इस खुदी हुई जगह को साफ किया गया। इसके बाद नींव के चारों ओर 60 मीटर चौड़ी आरसीसी की दीवार बनाई गई। ये एक तरह की राफ्ट जैसी फाउंडेशन थी, जिसमें 3.5 मीटर ऊंचा कंक्रीट इस क्षेत्र में बिछाया गया। इसके साथ ही नदी के बचाव के लिए भी उपाय किए गए हैं, ताकि पानी का बहाव इसे अपने साथ बहा ना ले जाए। किसी भी ऊंची इमारत को बनाते समय हवा के दबाव को ध्यान में रखना सबसे जरूरी होता है, क्योंकि 90 डिग्री के एंगल से पड़ रहा हवा का दबाव किसी भी चीज को उखाड़ सकता है। ऐसे में इस इमारत की डिजाइन बनाते समय ये ध्यान रखना पड़ा कि ये हवा का तेज दबाव बर्दाश्त कर सके। लेकिन एक चुनौती ये थी कि स्टैचू नदी के तट पर स्थित है, इस वजह से नदी के ऊपर बहती हुई हवा से विंड टनल इफेक्ट पैदा हो सकता था। ऐसे में ये इस मूर्ति पर पड़ने वाले हवा के दबाव का आकलन करना बहुत मुश्किल था। इस वजह से दुनिया की जानी मानी कंपनी RWID को इसके लिए एक मॉडल बनाने के लिए चुना गया। इस कंपनी ने बाउंड्री लेयर विंड टनल में अपने बनाए मॉडल की एयरो इलास्टिसिटी की जांच करके डिजाइनर्स की टीम को अपने इनपुट दिए। स्टैचू ऑफ यूनिटी प्रति सेकंड 60 मीटर हवा के दबाव को बर्दाश्त कर सकती है। किसी भी मूर्ति में सीने का हिस्सा
पैरों के हिस्से के मुकाबले काफ़ी चौड़ा होता है, जो कि किसी इमारत के निर्माण के लिहाज से काफ़ी अजीब है। इतनी ऊंची चिमनी बनाना आसान है क्योंकि नीचे का हिस्सा चौड़ा होता है और शिखर का हिस्सा पतला होता है। ऐसे में मूर्ति के लिए डिज़ाइन बनाना बेहद मुश्किल हो जाता है। आधार और शिखर के बीच इस चौड़ाई के अनुपात को स्लेंडरनेस रेशियो के नाम से जाना जाता है, जो कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में बहुत ज़्यादा है। इस वजह से इस मूर्ति की डिज़ाइन को बनाने में बहुत मेहनत की गई है। इसी वजह से नींव की डिज़ाइन बनाना भी बेहद चुनौतीपूर्ण था। इस मूर्ति के दो पैरों को कोर बॉल के रूप में इस्तेमाल किया गया है। इनकी ऊंचाई 152 मीटर है। कोर वॉल एक ऐसी तकनीक है जिसे ऊंची इमारतें बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। मुंबई में बनाई जा रही कई इमारतों में ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। मूर्ति की कोर वॉल एक अंडाकार सिलेंडर जैसे होते हैं। आधार की तरफ इसकी चौड़ाई 850 मिलीमीटर होती है, जो कि टॉप पर 650 मिलीमीटर होती है। कोर वॉल में कई जगह पर स्टील प्लेट्स लगाई गई हैं ताकि उससे स्पेस फ्रेम जोड़ा जा सके। स्टील स्ट्रक्चर का इस्तेमाल इसलिए किया गया है ताकि स्पेस फ्रेम को कोर वॉल से जोड़ा जा सके। स्पेस फ्रेम को लाने की वजह अहम है क्योंकि इसी फ्रेम से पीतल के पैनल लगाए गए हैं, जो कि इस स्टैचू को आकार प्रदान करते हैं। किसी भी स्ट्रक्चरल डिजाइनर के लिए कोर वॉल बनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन स्टैचू ऑफ यूनिटी के मामले में डिजाइनरों को यह ध्यान रखना था कि मूर्ति को अलग अलग पैटर्न वाले हवा के दबाव को बर्दाश्त करने लायक बनाना था। इस मकसद से कोर वॉल को जोड़ने वाली हॉरिजेंटल वॉल्स को टेढ़े-मेढ़े अंदाज में जोड़ा गया है। ऐसे में जब मूर्ति के बाहरी हिस्से यानी पीतल की प्लेट्स पर हवा का दबाव पड़ता है तो वह स्पेस फ्रेम से होते हुए कोर वॉल में जाती है। इसके बाद ये दबाव फाउंडेशन की ओर बढ़ जाता है। इस इमारत को बनाने में अत्याधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि इस तरह की मूर्ति की उम्र सैकड़ों साल होती है। ऐसे में इस मूर्ति में ऐसा कंक्रीट इस्तेमाल किया गया है जिसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा होती है। सामान्यतः कंक्रीट इस्तेमाल करने से अगले 10 से 15 सालों में कंक्रीट में दरारें नज़र आने लगती हैं और ये मूर्ति टूटना शुरू हो जाती। दुनिया की ऐतिहासिक इमारतें जो 400-500 साल पुरानी हैं, वे स्टील या कंक्रीट से नहीं बनी हैं। हालांकि इस इमारत के बनने में 22,500 मीट्रिक टन सीमेंट की खपत हुई है। इसके साथ ही 5,700 मीट्रिक टन स्ट्रक्चरल स्टील और 18,500 टन आयरन रॉड्स का इस्तेमाल हुआ है। स्टील का इस्तेमाल एक ऐसी समस्या है जिसका कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्टील एक समय के बाद खत्म होने लगता है यानी क्षय होने लगता है। लेकिन अगर कंक्रीट को ठीक से प्रयोग किया गया है तो इसके क्षय होने की रफ्तार धीमी हो सकती है, लेकिन आखिरकार स्टील का क्षय हो ही जाएगा। जंग लगी स्टील की रॉड किसी भी अच्छे कंक्रीट को तोड़ देगी। इसके लिए M65 ग्रेड का कंक्रीट इस्तेमाल किया गया है। M65 का मतलब है कि इस कंक्रीट में 65 मेगा पास्कल की ताकत है, जबकि सामान्य इमारत में लगने वाला सीमेंट M20 ग्रेड का होता है। इस मूर्ति को बनाने में 12,000 ब्रॉन्ज पैनल का इस्तेमाल किया गया है, जिसका वजन 1,850 टन है। पीतल के ये पैनल चीन से बनकर आए हैं, जिसकी वजह से एक राजनीतिक विवाद भी खड़ा हो गया था। हालांकि हर पैनल का आकार अलग अलग है, लेकिन सभी पैनलों का स्टैंडर्ड आकार 5x6 मीटर है। इस तरह के पैनलों के 3 डायमेंशन होते हैं और कोई भी पहलू सपाट नहीं होता है। ऐसे में ये कहना मुश्किल होता है कि इन्हें डिजाइन के हिसाब से बिल्कुल ठीक ठीक बनाया जाए। ये काम एक CNC मशीन की मदद से होता है। ये काम भारत में भी हो सकता है, लेकिन सवाल ये था कि भारत में ये काम कितनी जल्दी हो सकता है। लार्सन एंड ट्रूबो के इंजीनियरों ने अंदरूनी फ्रेम के साथ इस पैनल को इस तरह जोड़ा कि बाहर के किसी तरह का सपोर्ट लगाने की जरूरत महसूस नहीं हुई। इसे अपने आप में एक उपलब्धि माना जा रहा है। आखिर हम ये कह सकते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत को बनाने में विश्व के सबसे शानदार डिजाइनरों और इंजीनियरों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस मूर्ति की उच्च गुणवत्ता, मजबूती और लंबे समय तक चलने लायक बनाने के लिए सभी सावधानियों का ध्यान रखा गया है। भारत आने वाले पर्यटकों के लिए ये परियोजना एक विशेष आकर्षण होगी। इसके साथ ही ये परियोजना दुनिया के तकनीक विशेषज्ञों के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्लानिंग एंड डिजाइनिंग के लिहाज से एक अद्वितीय मिसाल होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर स्टेशन। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को जरूर शेयर कीजिए।